नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया पड़ोस में रहने वाला युवक। मामला चरगांव औपारा रोड का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की को घर से पड़ोस में रहने वाला युवक बहला फुसला कर ले गया। वहीं नाबालिग लड़की के परिजनों का आरोप है कि जब वह थाने पहुंचे अपनी शिकायत दर्ज करने तो शिकायत तो दर्ज कर ली, पीड़ित से 10,000 रुपए व अगले दिन 5,000 रुपए लिए। उसके बाद ही लड़की वालों के साथ ओरछा लड़की ढूंढने के लिए गए, लेकिन वहां लड़की नहीं मिली। एक दो दिन गुजर जाने के बाद पीड़ित फिर थाने पहुंचा तो दरोगा जी का कहना है कि हम तुम्हारी लड़की को जेब में रखकर नहीं घूम रहे, जब मिलना होगा तब मिल जाएगी और अतिरिक्त पैसों की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक पीड़ित की लड़की को बरामद नहीं किया गया है। औपारे वाले लड़की को उसका लड़का भगा लिया, पड़ोस वाला केता 15 साल रानू साथ में रामस्वरूप वहीं औपारे वाले रोड पे रस्ते में करी से तो कुछ नहीं, मतलब पैसे ले चुके, मतलब मैं थ्रेस दरोगा 10,000 एक बार, फिर दोबारा गए 5,000 एक बार, फिर बोले फिर दोबारा गए तो बोले के यहाँ बार बार आती हैं कि हम जिम में रखेंगे तुम्हारी लड़की को, तो हम भाग आए थे। फिर झांसी गए, झांसी से कोई पता नहीं पड़ा न, हाँ ओरछा गए थे वो अपनी गाड़ी भी करी थी हमने खुद के पैसे से, तो वहाँ पर नहीं मिले, वहाँ कोई ने फोन लगा दिया सो वहाँ से गायब। फिर भाग भाग आए, बोले आप बताओ कितने रिश्तेदारी, हम कहाँ बताएंगे किसी की रिश्तेदारी, उस मालूम नहीं है हमें कोई रिश्तेदारी हमको। झांसी कप्तान साहब के पास गए थे तो उन्हें कह दे 2 दिन में मिल जाएगी लड़की, 2 दिन 4 दिन हो चुके नहीं मिली, तो हमें तो लड़की चाहना है, अपने में कुछ नहीं करना है, लड़का रानू और रामस्वरूप साथ में है, जितने है ही हैं, उसको पकड़ाया उसने छोड़ दिया और उसी को जितन को दरोगा साहब मिथिलेश ने हमने कहीं का छोड़ा है उनको, कह रहा बुला लेंगे जब भी आ जाएंगे लड़की आ जाएगी उसको फिर बुलाएंगे, कह रहा कहीं कुछ मालूम नहीं है कोई नहीं बता रहा है, जब हमने कहीं उनके घर ही घर वालों को उठाओ, कह रहा है कैसे उठाएंगे उसको घर वालों को, जाओ आएंगे तुम्हारे घर पे आएंगे, रोज भगा देते हैं रोज जाते हैं तो भगाते हैं मिथिलेश दरोगा 15 दिन। हमको तो सर लड़की चाहिए अपने, हमें कुछ नहीं करना है, लड़की चाहिए दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।